पुरुषोत्तम लाल शर्मा। भैया हम गणेश जी के बारे में क्या कहेंगे, हम तो गणेश जी महिमा सुना सकते हैं सिर्फ, कि भगवान जो है अग्र पूज्य हैं, ये आप सबको पता है। पार्वती माता ने जन्म दिया, स्नान करने गई, भोलेनाथ आए तो पिता का पुत्र का युद्ध हो गया, उन्होंने राक्षस काट दिया, मां ने रौद्र रूप धारण कर लिया, मेरे बच्चे को जीवित करो। तो भगवान ने कहा अपने गणों से कि आप जाओ जंगल में देखो, कोई माता अपने बालक को जन्म देकर पीट करके सोई है तो उसका मुख ले आओ। वो मुख लाए। अब ये मुख लाए क्यों, ये गुप्त रहस्य है। हाथी का ही मुख क्यों लगाया गया? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए रूप धारण करके आता हूँ। गणेश जी महाराज की लंबी सूंड है, पर कभी जीभ देखी हाथी की किसी ने? भगवान जी कहते हैं मेरे से सीखो कि आपकी जीभ किसी को दिखाई ना दे, इतना बोलो। आंखें छोटी छोटी, बुराई को मत देखो, अच्छाई को देख लो। कान बड़े बड़े, छाज की तरह, सुरपकरण नाम है भगवान का एक, छाज की तरह कान, अच्छाई को अंदर रखो और कूड़े को बाहर फेंको। बिल्कुल। मैं देखिए इतिहास तो मैं भी नहीं बता सकता कि 9 साल का था मेरे दादाजी चले गए थे, बुजुर्ग वही थे। मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ, मैं 75 क्रॉस करने जा रहा हूँ। अब आप अंदाजा लगाओ। जानकारी यही है, प्रभु की लीला परंपार है। जानकारी क्या बताएं, क्या था, कैसे क्या रूप धारण कर लिया, क्या रूप धारण करते जा रहे, ये प्रभु जाने। हम तो इसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ करें तो बताएं ना, ये तो कर खुद रहे हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। हम करता नहीं, हम तो सेवक हैं, इसकी लीला को देखते हैं। जो चाबी भरा खिलौना जैसे चलता वैसे हम चलते हैं। प्रभु ने कहा ये काम कर लो, ये कर लिया, बाकी वो जाने उसकी कृपा। गणेश महाराज के स्वरूप का देखो कितना मंदिर, भव्य मंदिर सजाया जा रहा है। पहले सभा मनियां बनाई गई हैं, 5 दिन 7 दिन लगे क्या, मैंने 6 दिन लगे हलवाई को, बुधवार से लगातार चले हैं, दिन रात लग के उन्होंने सभा मनियों प्रसाद बनाया है। कल वो प्रसाद जो है अपने अपने भक्त वितरण करेंगे और रात को फिर कीर्तन में प्रसाद बटेगा। ये सब प्रभु की लीला है, हो रही है अनंत से। हम तो आप खुद देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, बैठे हैं अब हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, प्राचीन श्री गणेश मंदिर से नोरिया बाजार स्थित, अत्यंत प्राचीन मंदिर है। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। प्राकृतिक कारणों से पिछले 3 वर्षों से कोरोना की महामारी की वजह से हम जो है ये उत्सव उत्साहपूर्वक नहीं मना सके थे, लेकिन भगवान श्री गणेश जी महाराज की असीम कृपा से इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भगवान गणेश जी अग्र पूज्य हैं और पुरारी नंदन हैं। भगवान शिव के पूर्व पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर गणपति बप्पा मौर्या इस जय घोष के साथ भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी परंपरा के तहत हम भी यहाँ प्राचीन श्री गणेश मंदिर के अंदर नौरिया बाजार स्थित हर्षोल्लास से मनाएंगे। पंचधारी के मोदक से लगभग 3500 भगवान श्री गणेश जी महाराज को अर्पित की जाएंगी और उसका प्रसाद जो है वो जनमानस में वितरण किया जाएगा। सभी भक्तों के सहयोग से हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्ण रहेगा। हाँ, ये प्राचीन गणेश मंदिर इसलिए भी, यद्यपि बहुत से स्थानों पे अकेले श्री गणेश जी महाराज की मंदिर की स्थापना कम होती है, प्राय शिवालय के अंदर ही गणपति स्थापन की जाती है, लेकिन ये अकेला ऐसा पुराना शिव मंदिर, ये गणेश मंदिर है जो हमेशा से पूज्य है। जो इनके संस्थापक थे पंडित श्री रामदयाल जी, जो हमारे भारत की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा नगरी वाराणसी से पठित थे, उन्होंने ही अपने कर कमलों के द्वारा भगवान श्री गणेश जी का
मैं चाहूँगा भी आप ये गणेश जी का दर्शन करवाएं। ये अत्यंत प्राचीन भगवान श्री गणेश हैं और इनकी आराधना करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये सभी जानते हैं। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के देने वाले हैं श्री गणेश जी महाराज। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तों के कल्याण के लिए, वो दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनके व्यवसाय एवं व्यापार में खूब उन्नति हो, इस कामना से पुनः आपको भगवान श्री गणेश जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ, आशीर्वाद।